ये देखिए, यहाँ के डॉग्स को जब प्यास लगती है तो वो बर्फ खाते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। ओवरनाइट की जर्नी करके मैं पहुँचा दिल्ली। यहाँ से दो दोस्त और ज्वाइन करने वाले हैं हमारे। शाम के 7 बजे हमारी बस है। सुबह के 5 बजे हम पहुँचते हैं ओट। तो ये आप जो टनल देख रहे हो, यहाँ से आप सीधे सीधे चले जाओगे तो आप मनाली पहुँच जाओगे, बट हम इस टनल से पहले ही राइट ले लेंगे और वो रास्ता आपको ले जाता है सांगर। हेलो गाइस, वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश। और अभी हम हैं सांगर में। आते ही हमारा वेलकम हुआ स्नोफॉल के साथ। बहुत अच्छा स्नो अभी है पूरे सांगर में। रास्ते में बहुत सारा स्नोफॉल होने की वजह से गाड़ी ने हमें बहुत पहले ही उतार दिया, तो हमें ये छोटा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा करीब 1.5 किलोमीटर का, तब हम अपने प्रॉपर्टी पे पहुँचेंगे। रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, मज़ा भी आ रहा है, बस ये जो पीठ पे बैग लदे हुए ये थोड़े भारी हैं। और मेन प्रॉब्लम स्नो से नहीं होता है, ब्लैक आइस से होता है, और वो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्नो में। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पहले से रहते हैं, तो पहले हम उनसे मिलेंगे और फिर जाएंगे हम अपने होटल की तरफ। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने होम स्टे पे, जिसका नाम है नो सोसाइटी। इसके बालकनी से बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है। ये देख रहे हैं आप माउंटेन रेंजेस, ये दिखने वाले हैं पूरे, तो दिखाते हैं थोड़ी देर में उसको। तो भाई हमने बैग वैग फेंका और निकल गए आसपास के टूर के लिए। सांगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, करीब 30 किलोमीटर हो गई है ओट से। यहाँ से मनाली भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट मनाली हमने कर रखा है और हमें पसंद आते हैं थोड़े ऑफ बीट डेस्टिनेशंस। अब नॉर्मल डेज में तो तुम शोर शराबे में रहते हो यार शहरों के, अब टूर पे भी आके तुम शोर शराबे में रहो तो कोई फ़ायदा नहीं होता टूर पे आके। तो हम जब सांगर पहुँचे तो बिलीव नहीं हो रहा था हमें कि ओवरनाइट की जर्नी में इतने मौसम में बदलाव आ जाएंगे। डेली में नॉर्मल ठंड थी और यहाँ आते ही स्नोफॉल। सांगर बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, वैसे यहाँ बहुत सारे अट्रैक्शंस भी नहीं हैं। विलेज है, वाटरफॉल्स हैं और एक बड़ा सा मेडो है। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको पीसफुल हॉलीडे चाहिए तो आप सांगर आओ, और अगर आपको मॉल रोड घूमना है तो मनाली या फिर शिमला जाओ। और सर पीस नहीं है, काफ़ी सारा एडवेंचर भी हैं यहाँ। ये हैंगिंग टेंट्स हैं, ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा उठ के बना हुआ है क्योंकि ठंड ना लगे इसमें। यार ये देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ भी है साइड में इसके। तो भाई पहले मैं एक बात बता दूं, ऐसी जगहों पे आना हो तो थोड़ा टांगों को अपने मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये 3 किलोमीटर पैदल चल के आएँ राशन के कुछ सामान लेने बस। ऊपर कोई शॉप्स नहीं हैं और स्नोफॉल के वजह से रास्ता बहुत बुरा हो रखा है, और यहाँ के डॉग्स अलग ही क्रेज़ी हो रहे हैं। हमारे यहाँ के डॉग्स इतने खूबसूरत क्यों नहीं है यार, सब के सब डबल कोट ही हैं यहाँ। ओके ये डॉग वीडियो नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई एक दिन तो हमारा ऐसे ही बीत गया आसपास घूमने फिरने में, तुरंत शाम भी हो गया तो पता नहीं चला हमारे टाइम का। फ्रेंड्स वगैरह से मिले, हमने बातें बातें की बहुत सारी। तो शाम को पहुँचे होटल, वहाँ बॉनफायर था और छोटी सी पार्टी थी, तो खा पी के हम सो गए। डे 2 8 AM और खिड़की के बाहर के सीन्स कुछ ऐसे हैं। ओह माय गॉड, पूरा स्नो कवर हो रखा है ये तो, हमें तो पता नहीं चला, बट रात भर स्नोफॉल हुआ है और आसपास के नज़ारे ऐसे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे पूरा सांगर एक बर्फ़ की चादर ओढ़ चुका है। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम यहाँ आ गए हैं नाश्ता करने अपने कैफ़े में। ये अपने होम स्टे के कैफ़े में आ गए हैं हम। यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं, यह स्विट्ज़रलैंड से कहीं से कम नहीं लग रहा है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो यहाँ बैठ के हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा औसम थे। आप ये देखिए,
ये हमारे कैफ़े का चिमनी एरिया, यही बैठे रहते सब सर्दियों में। हमारे जूते यहाँ सूख रहे हैं जो बर्फ़ में गीले हो चुके थे। तो ये आ गया हमारा नाश्ता, ब्रेड ऑमलेट मंगाया हमने हनी जिंजर लेमन के साथ, क्योंकि मौसम में अगर पहाड़ों में रहना है तो ये गर्म चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए हमें। अब कभी ये नहीं होता कि अब हम पहाड़ों में हैं और हनी जिंजर लेमन पिया नहीं हमने, हमें ये बहुत पसंद है तो हर बार ये तो ज़रूर पीते हैं, हेल्दी भी है हमारे लिए। तो आज हम जाने वाले हैं शांगर के मेडो पे। मेडो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो छोटा मोटा वॉक हो जाएगा हमारा। बट प्रॉब्लम यहाँ किलोमीटर्स की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ स्नो की है। पूरे रास्ते में स्नो बर्फ है, 2-3 फीट तो हैं ही, तो चलने में काफ़ी मुश्किल आने वाली है क्योंकि हमारे पास स्नो बोर्ड्स भी नहीं है। ये देखो खूबसूरत सी बाइक की हाल की है स्नो ने, जहाँ सेव लटकते हैं वहाँ बर्फ लटक रही है। पानी पीना पड़ेगा हमें क्योंकि दूर दूर तक पानी कहीं मिल नहीं रहा। अभी फाइनली वी आर हियर, ये हम पहुंच गए हैं शांगर वैली के मिडो पे। वाह, दिस इज ब्रेथटेकिंग। ये इतना बड़ा फ्लैट ग्राउंड होना माउंटेंस में छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है, ये बहुत रेयर है। ऊपर से फुली कवर्ड इन स्नो, ओह माय गॉड। गर्मियों में तो ये पूरा ग्रीन लैंड रहता है, बट अभी ये पूरा स्नो में कवर्ड है, तो स्नो वाइट हो रखा है बिल्कुल। अगर इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो लोगों का मानना है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो 14 साल के लिए वो यहीं आए थे, फिर ये एक तरह से देवभूमि हो गया। यहाँ आसपास कहीं भी नॉनवेज नहीं मिलता और पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं तो अपने यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, उनको अलाउ नहीं है यहाँ आना। पहाड़ों में एनिमल्स के लिए भी सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ डॉग्स को प्यास लगती है तो आइस खाते हैं वो, ये देखिए स्नो से ही काम चलाते हैं अपना अभी। ये तो आज का ट्रैक हमारा कंप्लीट हो गया है, वापस जा रहे हैं अपने होटल की ओर। Day 3, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं सैंज की ओर, सैंज से फिर हम जिब्बी जाने वाले हैं आज। और स्नोफॉल ज़्यादा हो गया है तो इस बार कैब और ज़्यादा नीचे इंतज़ार कर रही है हमारी। यहाँ के ड्राइवर्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं, स्नो पे भी अलग ही कटिंग काटते हैं ये। सो 3 घंटे 3.5 घंटे की राइड कंप्लीट करने के बाद पहुँचते हैं हम जेबी। जेबी पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट शाम हो गया क्योंकि हम कुछ ज़्यादा आराम से निकले थे आज। जेबी भी ऐसे ब्यूटीफुल है, छोटा सा विलेज ही है ये भी, बट शांगर से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है ये। यहाँ थोड़ा कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा है, कसौल जो गए होंगे उन्हें पता होगा ये थोड़ा कसौल जैसा है, मिनी कसौल समझ लो इसे आप। हमने सुना था जिब्बी के ट्रॉट फिश बहुत फेमस होते हैं, तो हमने बोला क्यों ना ट्राई करें यार, तो हम गए जंगल वैली और फिर हम निकल गए विलेज टूर पे। ड्रग्स बिकॉज इफ यू डू ड्रग्स यू विल एंड अप इन प्रिजन एंड ड्रग्स आर रियली एक्सपेंसिव प्रिजन। यहाँ हिमाचल पुलिस अपना ह्यूमर दिखाते हुए, बट दैट वॉज गुड वन। रात में हमने डिनर किया कैफे में बैठ के और नेक्स्ट डे का प्लान है बागी मंदिर और चीनी फोर्ट का। जेबी का जो एरिया है पूरे वैली में है,
तो पूरे रास्ते आपको ये रिवर दिखती रहेगी। और ये पूरे रास्ते आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे, जो लगता है नेवर एंडिंग हाइट लेकर पैदा हुआ है। हमारे होटल से 7 किलोमीटर का रास्ता था बागी मंदिर का, और 3 किलोमीटर का ट्रक था। तो हम कैब से पहुंचे 7 किलोमीटर, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ट्रैक। और ट्रैक में सीढ़ियाँ ओह बहुत पेनफुल होती हैं। यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं बागी मंदिर। ये देखिए ये बागी मंदिर है। तो नीचे से 3 किलोमीटर था ये मंदिर, और मंदिर से 3-4 किलोमीटर और ऊपर है चीनी फोर्ट। बट यहाँ स्नोफॉल हुई है कुछ दिन पहले, तो रास्ते ऐसे हो रहे हैं कि जाना पॉसिबल लग नहीं रहा हमें। सारा बर्फ़ पिघल रहा था, उसके कारण बहुत स्लिपरी हो गया था रास्ता, तो आधे रास्ते से ही हम वापस आ गए। होता क्या है कि स्नो में गिरोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लैक आइस में गिरोगे तो बहुत चोट आती है। तो हमने सोचा कि रिस्क लेना छोड़ देते हैं। हम वापस जब भी आके एक रिवर साइड पे कैफे था बहुत खूबसूरत सा, वहाँ गए। कैफे में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो अंधेरा हो गया था तब तक, बट अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था आसपास का एरिया। ये लाइटिंग कर रखे थे इन लोगों ने, उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगले दिन दिल्ली के लिए हमारी बस थी शाम में 5 बजे, तो हमारे पास सुबह का टाइम था। तो हमने सोचा सुबह में वाटरफॉल चले जाएंगे, यहाँ पास में ही वाटरफॉल है। हम पहुँच गए जब भी वाटरफॉल पे। रास्ते काफ़ी बुरे लग रहे हैं, बहुत स्लिपरी होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे साइड साइड से ही जाएं। हम पूरे रास्ते में छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं लकड़ी के, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। कम से कम 10-15 तो होंगे ही है ब्रिजेस। और जब हम वाटरफॉल पे जाते हैं तो बात वाटरफॉल तक सीमित ही नहीं रहती, उसके साथ साथ छोटे छोटे जो वाटरफॉल होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। अब गोप्रो लेके आए हो और अंडरवाटर शॉट्स ले ही नहीं रहे, तो फिर क्यों ही गोप्रो लेके आए हो? तो एक ये भी ज़रूरी है। कुछ खास बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बट काफ़ी खूबसूरत है ये एरिया। खाली होने की वजह से और ज़्यादा अच्छी लग रही है। मे बी यहाँ भीड़ होती ज़्यादा तो उतना अच्छा नहीं लगता।
यहाँ होता है हमारा ट्रिप ख़त्म। अब हम लौट रहे हैं वापस घर की तरफ, और वापस जाते हुए ये पहाड़े और खूबसूरत लगने लगती हैं, पता नहीं क्या होता है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक्ड आवर जर्नी।